हाँ जी, सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स ईज द बिजनेस एनवायरमेंट इन द कंट्री। तो जी, क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट? बेसिकली लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आ जाइए जी, सबसे पहला काम क्या किया, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। जैसे कि पहले जब कंपनी को इनकॉरपोरेट करना पड़ता था तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 5 लाख। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को खत्म कर दिया गया, राइट? तो एट प्रेजेंट देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब इन दोनों टाइप की कंपनीज को इनकॉरपोरेट करने के लिए अब कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो 10,000 रुपये से भी कंपनी इनकॉरपोरेट कर सकते हैं। फिर जी, पहले बहुत सारे फॉर्म्स होते थे कंपनी को इनकॉरपोरेट करने के लिए, अब सारे फॉर्म्स को रिप्लेस करके एक सिंगल फॉर्म लाया गया, स्पाइस। इसके बारे में हम कंपनी लॉ में भी पढ़ चुके हैं, राइट? और इसी फॉर्म के अंदर हम लोग नेम रिजर्वेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कंपनी इनकॉरपोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिन भी अप्लाई कर सकते हैं, पेन अगर नहीं है तो पेन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा टेन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ही फॉर्म में सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास, अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर जी, एक फॉर्म लाया गया एजिल, AGILE, राइट? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली इस ई फॉर्म के अंदर ये बेसिकली हम भरते हैं विद द स्पाइस। स्पाइस के साथ साथ जब कंपनी इनकॉरपोरेट करते हैं तो एजिल फॉर्म भी फिल किया जाता है, और इसी के अंदर हम GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम ESI के लिए, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग EPF के लिए, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्म से तीनों जगह रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, राइट? उसके अलावा जी, फिर एक नया फॉर्म लाया गया नेम रिजर्व करने के लिए, कंपनी का नेम रिजर्व करने के लिए एक सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड फॉर्म लाया गया, रन रिजर्व यूनिक नंबर, राइट? तो रन लाने की वजह से जो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती थी, पहले जो फॉर्म अपलोड किया जाता था नेम रिजर्व करने के लिए, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती थी, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं रही क्योंकि वेब बेस्ड फॉर्म है। तो डायरेक्टली MCA.gov.in पर लॉग इन करके आप रन फिल कर सकते हैं, ठीक है? फिर जी, कंपनी को इनकॉरपोरेट करते हैं तो इनकॉरपोरेशन फी पे करनी पड़ती है, आप उसे स्टैम्प ड्यूटी भी कह सकते हैं, इनकॉरपोरेशन फी भी कह सकते हैं। कहता है जी, अगर आप 15 लाख या उससे कम की ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ कंपनी इनकॉरपोरेट कर रहे हैं तो वो फी भी जीरो कर दी गई, नो इनकॉरपोरेशन फी फॉर कंपनीज विद ऑथराइज्ड कैपिटल अप टू 15 लाख। उसके अलावा जी, फिजिकल पेन की रिक्वायरमेंट भी एलिमिनेट कर दी गई, ठीक है? पेन और टेन दोनों ही हमने कहा कि भैया हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्पाइस के अंदर, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन में ही पेन और टेन दोनों लिखा हुआ आता है, और वो सफिशिएंट प्रूफ है कंपनी का पेन नंबर और टेन नंबर के लिए, ठीक? उसके अलावा जी, EPF या फिर ESI के लिए हम लोग शरम सुविधा पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिजिकल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई मुंबई में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो फिजिकल इंस्पेक्शन थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, और इवन जो कॉस्ट है वो भी कोई ख़त्म कर दी गई है। तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हुए ना कोई अब आपको पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही फिजिकल इंस्पेक्शन होगी आपकी शॉप की, एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है? हाँ जी, एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर GST रजिस्ट्रेशन। पहले GST का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरी थी, अब वो चीज़ भी खत्म कर दी गई है, ठीक? तो कुल मिला के कंपनी को इनकॉरपोरेट करना बहुत आसान कर दिया गया है। डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये चीज़ हम पढ़ी चुके हैं कि भैया बहुत सारे प्रोसीजर्स कम कर दिए गए हैं,
और डॉक्यूमेंटेशंस कम कर दिए गए हैं, और एक सिंगल जिसे हम कहते हैं विंडो सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है दिल्ली में भी और मुंबई में भी। तो एन ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो विंडो सिस्टम का मतलब क्या है, कहता है जी अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्रूवल लेने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक ही हमने एक तरह से डिपार्टमेंट बना दिया है, हर लॉ की जो अप्रूवल है, हर लॉ के अंदर जो आपको अप्रूवल चाहिए वो इसी डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगी, एक ही जगह अब आपको जाना है और वो भी ऑनलाइन, मतलब फिजिकल धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जी यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली में, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर्स है, डॉक्यूमेंटेशंस है वो काफ़ी कम कर देंगे, और चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी आ गया कि क्या कब होगा, कितने टाइम के अंदर होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किससे अप्रूवल लेनी है, राइट। तो उससे काफ़ी आसान हो गया काम करना। डीम्ड अप्रूवल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली, कि भैया अगर विद इन द टाइम लिमिट आपको अप्रूवल नहीं मिलती है डिपार्टमेंट से तो मान के चला जाएगा कि आपको डीम्ड अप्रूवल मिली, राइट। तो ऐसा नहीं है अब कि अगर अप्रूवल नहीं मिली, फाइल आगे नहीं चल रही है तो जी जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी आप काम नहीं कर सकते, एक टाइम लिमिट दे दी गई है, इतने टाइम में या तो डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मान के चला जाएगा कि अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने कहा था कि एक ना स्पेसिफिक इन्होंने प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया है कि जो बिल्डिंग्स है उनको रिस्क के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाएगा, तो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, रिस्क के बेसिस पर बिल्डिंग्स को क्लासिफाई किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा किस बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, किस में इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहाँ पर स्पेसिफिक जो कंस्ट्रक्शन प्लान है उसके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे हम जल्दी ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ना फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चलने लग गई अब सारी की सारी, और जो पहले रिक्वायरमेंट थी नोटराइज्ड आपको सर्टिफिकेट एफिडेविट्स अलग अलग स्टेप पर गवर्नमेंट को या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबमिट करवाने पड़ते थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, अब आप इस जो अंडरटेकिंग है वो दे सकते हैं इन दिल्ली, राइट। तो दिल्ली और मुंबई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स कम किए गए, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स कम की गई, चीज़ों में काफ़ी सारी क्लैरिटीज लाई गई, टाइम लिमिट डिस्क्राइब की गई, कितने टाइम में अप्रूवल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मान के चलो कि अप्रूवल मिल गई, राइट। जो डॉक्यूमेंटेशंस थे उनकी नोटराइजेशंस खत्म कर दी गई, ये अंडरटेकिंग ले सकते हो अब आप, तो कॉस्ट भी रिड्यूस हुई और प्रोसीजर्स भी रिड्यूस हुई, तो काम करना आसान हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, मल्टीपल इंस्पेक्शन एट द कंप्लीशन स्टेज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल ज्वाइंट इंस्पेक्शन इन दिल्ली। फिर जी रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शंस हैव बीन सिंप्लीफाइड। तो मेन जो दिक्कत आती थी कि भैया आपको रोड कटिंग करनी है, अब जब सोसाइटी बन रही है तो रोड तो बनानी पड़ेगी, रोड चारों तरफ बिछानी भी पड़ेगी, काटनी भी पड़ेगी, पूरा वाटर का सिस्टम भी एस्टेब्लिश करना पड़ता है बिल्डिंग के नीचे, सीवरेज कनेक्शन भी देना पड़ता है, तो उन सब के जो प्रोसीजर्स हैं, उन सब के जो अप्रूवल्स हैं वो सब काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी हमने देखा जी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन वो एलिमिनेट कर दिया गया है, और टाइम टेकन बाय द यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हो तो इंटरनल जो वायरिंग इंस्पेक्शन होती है उसको भी अब आप मान के चलिए ख़त्म कर दिया गया है, और न्यू कनेक्शन लेने के लिए या लोड बढ़वाने के लिए जो टाइम लगता है वो भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। ग्रांटिंग क्रेडिट, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अब कंपनी लॉ के अंदर या अदर लॉज के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर हाईली सिक्योर्ड, भाई अगर बिजनेस लिक्विडेट होता है, बंद होता है, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे दिए जाते हैं। पेइंग टैक्सेस, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, और जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो खत्म हो गए, जैसे कि पहले आपने वैट सुना होगा, राइट, एक्साइज ड्यूटी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में सबसम्ड हो गए, खत्म हो गए। तो इसका मतलब अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, अब तो वन नेशन वन टैक्स रह गया जीएसटी, राइट। उसके अलावा फिर जो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया, 30% से 25% छोटी कंपनीज के लिए जिनकी टर्नओवर कितनी है अप टू 250 करोड़ रुपीज़।
हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, और ईपीएफ के अंदर भी जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया मैंडेटरली। तो कुल मिला के चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है, सिक्योर्ड किया जा रहा है, टाइम जो है वो हर चीज़ का रिड्यूस किया जा रहा है, पेपर वर्क ख़त्म किया जा रहा है, राइट। प्री अप्रूवल्स मिलने लग गई है चीज़ों को लेकर, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि टाइम और कॉस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए हैं। एनहेंस्ड रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो मैंने आपको बता दिया था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और फिजिकली सिर्फ 5% गुड्स ही अब इंस्पेक्ट किए जाते हैं, सारे कंसाइनमेंट की इंस्पेक्शन फिजिकली नहीं की जाती। बिल ऑफ एंट्री एडवांस जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है, मतलब हमारा बाहर से वेसल आ रहा है उससे पहले ही बिल ऑफ एंट्री कस्टम में दे देंगे हम कि जी देखिए हमारा जो वेसल आ रहा है उसके अंदर ये सामान है, ये इंसान है, ताकि जब वेसल पोर्ट पे पहुंच जाए उसके बाद इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो फास्ट हो सके, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट को रिड ऑफ भी की जा सकती है। ई संचित के बारे में भी हम ऊपर पढ़ चुके थे, राइट। हाँ जी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जी सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है इसको अमेंड किया गया, और पहले यह था कमर्शियल कोर्ट में केस ले जाने के लिए कम से कम लिमिट क्या थी कि अगर आपका जो डिस्प्यूट है कम से कम 1 करोड़ रुपए का है तो आप डायरेक्टली कमर्शियल कोर्ट में केस ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है सिर्फ 3 लाख, मतलब अगर आपका बिजनेस के अंदर किसी के साथ सिर्फ 3 लाख रुपए तक का भी डिस्प्यूट है, मतलब 3 लाख या उससे ज़्यादा रुपए का, तो आप डायरेक्टली कमर्शियल कोर्ट में जा सकते हैं। मेन रीज़न क्या था ये रिड्यूस करने का, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही कमर्शियल कोर्ट ओपन किए जाए, ताकि जो कोर्ट्स में जाके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को रिजोल्व करने में वो ना लगे, और कमर्शियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए हमारे पास एक अलग से कोर्ट होनी चाहिए, कमर्शियल कोर्ट्स, ठीक है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, तो जी इंसॉल्वेंसी पहले बड़ा ही दिक्कत वाला काम था, जब कंपनी लो डील करती थी इंसॉल्वेंसी से, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 डील करता था, तो बड़ा ही दिक्कत वाला काम था, 10-10 साल लग जाते थे कंपनी को बंद करने में। अब हमारे पास नया एक्ट है, नया लॉ है बेसिकली, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016, तो इसके अंदर चीज़ों को बड़ा फास्ट ट्रैक में किया गया है, सारे प्रोसीजर्स बड़े क्लियर कट दिए गए हैं, इसके अंदर बकायदा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि रिसोल्वेंसी को और इंसॉल्वेंसी को दोनों को हैंडल करेंगे, राइट। एक टाइम बाउंड प्रोसीजर दिया गया है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो इतने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को बंद कर देना है, अगर रिस्ट्रक्चर हो सकती है तो इतने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को रिस्ट्रक्चर कर देना है। पहले क्या होता था कि कंपनी जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया कंपनी ने अपने आप को, तो उसके पास 100 करोड़ की एसेट थी, पता चला जी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर 10 ईयर खिंच गया, वो 100 करोड़ की एसेट पड़ी पड़ी 10 करोड़ की रहेगी, 90 करोड़ का लॉस हो गया ना, राइट। तो अब टाइम बाउंड प्रोसीजर कर दिया गया है, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि बड़ी प्रोफेशनल वे में इंसॉल्वेंसी को हैंडल करते हैं, अगर रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, रिवाइवल पॉसिबल है किसी बिजनेस का तो उसको हैंडल करते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। स्टेट लेवल पर क्या रिफॉर्म्स लाए गए, देखिए जी सबसे पहली चीज़ कहता है DPIITs की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, स्टार्टेड अ डायनामिक रिफॉर्म एक्सरसाइज, क्या जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी, जहां पर हर स्टेट को, जैसे मैंने आपको कहा था ना, इनके बीच में कंपटीशन की भावना जगानी है, कंपटीशन की फीलिंग जगानी है कि हाँ आप इस जिस फील्ड में आप ज़्यादा बेटर करोगे हम आपको रैंक देंगे, और वो बाकायदा पूरे इंडिया में बताया जाएगा कि स्टेट ने ज़्यादा बेटर किया है, तो एक ओनर वाली फीलिंग जगाने की हाँ हम ज़्यादा बेटर कर रहे हैं हर गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राइट। टू रैंक ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड रिफॉर्म पैरामीटर्स, तो बकायदा पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, और अच्छे खासे नियरली 350 पॉइंट्स हैं, उन 350 पॉइंट्स पे हर स्टेट को हर साल बकायदा रैंक दिया जाएगा, राइट। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से 350 पॉइंट्स हैं। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू क्रिएट अ
कॉन्ड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट बाय स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएटिंग एन इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बाय कटिंग डाउन रेड टेप। कुल मिला के जितनी भी किसी भी स्टेट में काम करने से रिलेटेड या काम को मैनेज करने से रिलेटेड जितनी भी रेड टेप का मतलब बंधने थे, उन सब को स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरेटरीज को, सबको प्रमोट किया गया कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, राइट। तो बकायदा ये जो आप देख रहे हो पोर्टल का एड्रेस है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पर बकायदा हर स्टेट के, हर यूनियन टेरेटरी के रिफॉर्म्स जो हैं भाई, उन्होंने उनको कितने पॉइंट मिले किस एक्शन पर, तो बकायदा सब दे रखे हैं, ठीक है। इन 2017 रिफॉर्म एक्सरसाइज वॉज अपडेटेड टू 372 एक्शन पॉइंट्स। तो 372 एक्शन पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए, वेलकम टू बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान पोर्टल। तो यहाँ बकायदा दे रखा है, जिस तरह यहाँ पर दे रखा है ना, 2019 के अंदर ओवरऑल फर्स्ट कौन आया जी, आंध्र प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड तेलंगाना। तो यहाँ बकायदा एक्शन प्लान दे रखे हैं, आप इस वेबसाइट को अगर देखेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव यही है ना कि भाई ठीक है, स्टेट्स के बीच में एक कंपटीशन की भावना जनरेट की जाए। हाँ जी, इनिशिएटिव्स टेकन बाय DPIIT क्या क्या है, अ नेशन वाइड वर्कशॉप वाज हेल्ड, भी हर स्टेट को एक तरह से लिटरेट करना कि जी आपके स्टेट में कहाँ पर क्या कमी है और आपको क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वर्कशॉप ली गई नेशन वाइड ऑन दिस डेट टू डिस्कस द रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। द ऑल डे कॉन्फ्रेंस विटनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। तो जो ये वर्कशॉप थी, इसके अंदर बकायदा 100 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, राइट। और इसके अंदर शेयर की गई बेस्ट प्रैक्टिस बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज कि किस फील्ड में कौन सा स्टेट, कौन सी यूनियन टेरेटरीज बेटर है और वो क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं बेटर बनने के लिए, ठीक है। अ यूनिक हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सिखाना, मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर द लीडिंग स्टेट्स वर पार्टनर्ड विद द लैगर्ड, मतलब फॉल बिहाइंड स्टेट्स। तो जो लीडिंग स्टेट्स है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, वो पिछड़े स्टेट्स का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, राइट। वेस्ट बंगाल मेरिट्स अ स्पेशल मेंशन, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने नागालैंड के लिए 3 डे वर्कशॉप करी, नागालैंड की गवर्नमेंट को, नागालैंड को ये सिखाने के लिए कि आप जिस फील्ड में हम ऊपर उठे, कैसे ऊपर उठे, आप भी वैसे ऊपर उठ सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी रिफॉर्म्स वर वॉज आइडेंटिफाइड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे कि मिजोरम है, असम है, सिक्किम है, तो पिछड़े जो स्टेट्स हैं बेसिकली, उनके अंदर रिफॉर्म्स को लाने के लिए प्रायोरिटी रिफॉर्म्स जो है, प्रायोरिटी बेसिस पर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कैसे किए जाएंगे। 8 वर्कशॉप्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कंडक्ट की गई, ठीक है, किन के लिए, फॉर यूनियन टेरेटरीज के लिए और स्टेट्स के लिए जो पिछड़े हैं, जैसे कि त्रिपुरा है, पंजाब, हरियाणा, दमन, दीव, दागर एंड नागर हवेली, अंडेमान एंड निकोबार, आइसलैंड, गोवा एंड कर्नाटका। तो सबके लिए एक एक वर्कशॉप अरेंज की गई। टू हैंड होल्ड ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस वर अरेंज। तो कुल मिला के हर स्टेट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, हर स्टेट को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे अपने यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को ईजी कीजिए, काम करना लोगों के लिए आसान कीजिए, लोगों को ये सिक्योरिटी दीजिए कि अगर वो आपके स्टेट में काम करेंगे तो वहाँ पर वो ग्रो कर पाएंगे, राइट। और लोग, अगर लोगों को ये सिक्योरिटी होगी तो लोग आएंगे आपके स्टेट में भी, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, आपके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है,
बट सारा पास्ट है, पता नहीं कितना पूछा जाएगा कितना नहीं। उसके अलावा बहुत सारे देखिए पॉइंट लिखी हुई हैं, जैसे कि 19 स्टेट्स हैव डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन विजार्ड, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे। लोगों को क्लियर कट पता होगा कि आपको किस चीज़ में अप्रूवल लेने के लिए कहाँ जाना है, कौन सा लाइसेंस कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट क्या है, टाइमलाइन क्या है, प्रोसीजर क्या है। बट सब कुछ ट्रांसपेरेंट से एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया ताकि अगर कोई बिजनेस करना चाहे इन स्टेट्स के अंदर तो उसे क्लियर कट पता हो कि हमें इस बिजनेस के लिए किसकी अप्रूवल लेनी है, किसका क्या लाइसेंस लेना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने टाइम में हमें मिल जाएगी अप्रूवल, एवरीथिंग राइट। 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैव डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक ही वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कीजिए और वहीं से सारी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैव स्टिपुलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 45 days। तो 16 स्टेट्स ने तो 45 days के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन परमिट देने के लिए रिफॉर्म्स क्रिएट कर लिए, जिसमें 37 और 8 इस तरह से है कि बिल्डिंग प्लान जो अप्रूवल है वो 30 days में हो जाएगा, और जो पिच लेवल इंस्पेक्शन है 7 days में हो जाएगी, फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 8 days में मिल जाएगा, ठीक है। जबकि तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने इससे भी कम टाइम लिमिट दी है। तेलंगाना ने 29 days की इंस्टीट्यूट ऑफ 45 days, तमिलनाडु ने 30 days की इंस्टीट्यूट ऑफ 45 days, और तमिलनाडु ने 37 days की, ठीक है। तो कुल मिला के मेन काम यही है, अगर आप सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट सही है कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है लोगों के लिए। 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैव इम्प्लीमेंटेड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कि भैया कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे स्टेट के अंदर, कहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर किस टाइप की फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं, कहाँ पर किस टाइप की फैक्ट्री अलाउड नहीं है, राइट। टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द लैंड ईयर मार्क फॉर इंडस्ट्रियल यूज अक्रॉस द स्टेट। 23 स्टेट्स हैव बीन रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 18 स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज हैव बोट ऑल द कंप्लायंस इंस्पेक्शंस बाय लेबर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स। इनको बेसिकली क्या कर दिया है कि भाई एक ही होगा, अलग अलग आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट या इंस्पेक्शन जो है वो अलग अलग नहीं होगी, लेबर लॉज के अंदर, फैक्ट्री लॉज के अंदर, बॉयलर लॉज के अंदर, राइट, पोल्यूशन लॉज के अंदर जो है वो इन सब में मिला के एक ही इंस्पेक्शन होगी, सेंट्रल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आके आपको दुखी नहीं करेंगे, ठीक है जी। कोर्ट फी, कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने पेमेंट ऑफ कोर्ट फी एंड प्रोसेसिंग फी उनको मर्ज कर दिया है, तो अब ऐसा नहीं है कोर्ट फी अलग से देनी है, प्रोसेसिंग फी अलग से देनी है, ठीक। तो आई थिंक आपको ओवरऑल मोटिव समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़िएगा। मेन चीज़ क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंपल सी बात यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जिस स्टेट में ज़्यादा बेटर होगा उस स्टेट के अंदर लोग ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। जिस स्टेट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, फैक्ट्रीज लगेगी, उस स्टेट के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उस स्टेट के अंदर ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी, ज़्यादा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा और वो स्टेट ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। तो कुल मिला के सिंपल सा काम क्या है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाए, जो पहले के टाइम में चाइना था और अभी भी चाइना ही है, राइट। आज की डेट में भी देखा जाए तो अभी तक तो चाइना ही है, लेकिन इंडिया का मेन मोटिव क्या है कि जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज चाइना में लगाई जाती है, सारे देश अपनी इंडस्ट्रीज चाइना में लगाते हैं, वो अगर सब इंडिया में लगाना शुरू कर दे तो इंडिया में काम की कोई कमी नहीं होगी, और काम की कोई कमी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं होगी, लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, खुशियों की कोई कमी नहीं होगी, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बता रखा है, बना रखा है कि भाई इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, काम करना आसान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, चैप्टर खत्म आपका, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, अगर आप ध्यान से 1-2 घंटा भी देंगे इस चैप्टर के ऊपर तो बहुत इजीली आपके दिमाग में रहेगी सारी चीजें, ठीक है जी। टेक केयर।